ये पेटीकोट मैंने सिल लिया है, जो मैंने इसकी ड्राफ्टिंग आपको बताई थी। ये देखिए 6 कली वाला पेटीकोट है, ये यहाँ से खुला है। तो सबसे पहले आप ये कैसे जोड़ना, मैं इसको पेपर कटिंग में समझा देती हूँ। ये पूरा बना लिया है मैंने इसको, ये मैं आपको बताती हूँ कैसे आप बनाओगे पेपर में, आपको समझा देती हूँ मैं इसको। जैसे ये मान लीजिए हमारी पेटीकोट की कटिंग है, तो इसमें 4 पार्ट ऐसे निकलेंगे, इस तरह के 4 पार्ट, 4 कली ऐसी पतली निकलेगी और 2 कली ऐसे निकलेगी इस तरह से। तो अब बस सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये पतली कली एक लेना है और उसके साथ बड़ी वाली कली को यहाँ जोड़ दोगे। फिर उसके बाद आप एक पतली कली इसके साथ जोड़ दोगे, ये हो गया। इसके बाद आप नंबर 4 इसके साथ एक और पतली कली जोड़ोगे ऐसे। फिर उसके बाद आप जोड़ोगे बड़ी वाली एक कली, फिर उसके बाद आप जोड़ोगे एक पतली कली। ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, ये सारे पार्ट जुड़ जाएंगे एक साथ। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि पहले ये 3 जोड़ लो, फिर ये 3 जोड़ लो, इस तरह से 3 3 जोड़ लो, ये एक तरीका है। या फिर आप ऐसे नंबर्स लिख लो चौक से और इस तरह से पूरा जोड़ लो। जब आप पूरा जोड़ लोगे तो ये वाला जो पार्ट है, अगर 3 3 जोड़ोगे तो फिर इसको इसके ऊपर बिछा दोगे, इसको इसके ऊपर, मतलब ये पूरा जुड़ गया समझ लो आपका ऐसे। फिर आप एक तरफ बंद कर दोगे और एक तरफ यहाँ से थोड़ी सी खुली रखोगे नाड़े के लिए, इस साइड से कोई भी एक साइड से बंद कर देना, एक साइड से यहाँ से खुली रखना, 3 3 इंच तक आप रख सकते हो खुला, और बाकी ये बंद कर दोगे और नीचे पूरा फोल्ड कर लोगे। ये जो नीचे का पार्ट है इसको ऐसे 1 इंच की फोल्डिंग आप कर दोगे। और उसके बाद जब पूरा तैयार हो जाएगा आपका, फिर आप कमर नाप लेना, अपना कमर नाप लोगे, ये कमर नाप के आप उसको पूरा कमर नाप के फिर आप बेल्ट काट लोगे इस तरह से। जैसे ये बेल्ट है, ये डबल है, ये इतना बड़ा है समझ लीजिए, ये बेल्ट है आपका पूरा, ये बेल्ट हो गया। अब इसको आप 1 इंच यहाँ से इस तरह से मोड़ लोगे, यहाँ से मोड़ लोगे ऐसे, सिलाई लगा लोगे उसमें, ये तैयार हो गया। अब यह जहाँ से खुला रखा आपने, वहाँ से इस जगह से आप सिलाई करना स्टार्ट कर दोगे ऐसे, यहाँ पे लॉक करके या नीचे तक चले जाओगे। अब ये वाला जो पार्ट है इसको आप इस तरह से छोटा सा मोड़ करके सिल लोगे दोनों तरफ से, इधर से भी ऐसे, ये ऐसे हो गया आपका। फिर जब ये हो गया उसके बाद आप ये, आपने इसको भी सिल के तैयार कर दिया, फिर आप क्या करोगे, इसको इस तरह से, इस तरह से रखोगे ऐसे। अब मान लीजिए ये पूरे पार्ट्स जुड़े हुए हैं, तो ऐसे आप पूरा यहाँ तक सिल लोगे। जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचेगा यहाँ पे लास्ट में जाके, यहाँ पे जितना बचेगा उसको आप ऐसे मोड़ लोगे, मोड़ के सिलाई लगा लोगे। सिलाई लगा के फिर जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से जोड़ा है इस तरह से, इस तरह से जोड़ा है मान लीजिए, फिर ये ऐसे आ जाएगा, ये इस तरह आ गया। फिर इसको यहाँ से भी मोड़ के छोटा सा आप इसके ऊपर ऐसे चढ़ा दोगे ऐसे, इस तरह से यहाँ से एक सिलाई लगा दोगे और यहाँ से भी एक सिलाई लगा दोगे, तो आपकी पूरी बेल्ट जुड़ जाएगी। तो मैं आपको उसको कपड़े में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ जो मैंने सिला है। जैसे कि इसमें देखो, ये यहाँ से मैंने खुला रखा है, इसको मोड़ लिया पहले, इसको भी मोड़ लिया पहले, ये साइड की सिलाई लगा ली पूरी नीचे तक, यहाँ तक, यहाँ तक लगा ली, नीचे मोड़ लिया इसको, इसको मोड़ लिया पूरा घेरे को इस तरह से, ये तैयार हो गया। उसके बाद आप फैला के इस तरह से यहाँ से मशीन लाओगे, यहाँ से टर्न होके फिर यहाँ ऊपर चले जाओगे, ये पूरा बन जाएगा आपका। ये सारी आपके
पूरे पार्ट्स जुड़ गए हैं। ये बेल्ट हमने लिया, बेल्ट लेके इस तरफ से पहले आपने मोड़ा, इस साइड से मोड़ के फिर बेल्ट को आधा करके ऐसे पलटा दिया और यहाँ पे आपने बंद करके ये सिलाई लगा ली, एक पूरी पूरी सिलाई लगा ली। उसके बाद एक और ये वाली जो सिलाई है इसको आपने लगा ली, तो ये आपका पेटीकोट पूरा तैयार हो गया। उसके बाद आप नाड़ा अपने कमर का नाप का ले लोगे, कमर के नाप का कपड़ा लेके उसमें कम से कम आप 5 या 6 इंच एक्स्ट्रा ले लोगे, जितना लंबा आपको चाहिए उतना लेके आप इसको इस तरह से उसका बचा हुआ कपड़े से नाड़ा बना लोगे। ये हमारा पेटीकोट तैयार हो गया, 6 कली वाला, ये देखिए ये इसका नाड़ा है और ये इसकी कटिंग है। ये भी रख देती हूँ, आप इसको समझ सकते हो देख के कैसे आपको करना है, किस तरह से सिलाई करना है आपको। ये इसकी बेल्ट है।